नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी पर। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी महिलाओं के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को होली की राजेश गुरुजी चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। और इन्हीं खबरों के साथ मैं आ चुका हूं दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हैं, प्रदेश में सिविल जज परीक्षा में महिलाओं का दबदबा। बीते 5 साल में 646 का हुआ चयन, इनमें से 366 हैं लड़कियां। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशेष दोस्तों, और वास्तव में महिला शक्ति की बात ही कुछ और है। और यहां पर सिविल जज, यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सिविल जज परीक्षा में महिलाओं ने नंबर मारा है, महिलाओं ने बाजी मारी है। और यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा के बीते 5 साल के परिणाम में महिला अभ्यर्थियों का पल्ला भारी रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल चयनित अभ्यर्थियों में 50% से ज्यादा संख्या महिलाओं की है। यही नहीं, बीते 5 में 4 बार लड़कियों ने ही प्रदेश की मेरिट लिस्ट प्रथम स्थान प्राप्त किया है। परीक्षा 2017 से लेकर परीक्षा 2021 के परिणाम के अनुसार कुल 646 अभ्यर्थियों का सिविल जज परीक्षा में चयन हुआ। इसमें 346 यानी कि लगभग 57% अभ्यर्थी लड़कियां हैं। इनके साथ ही ना केवल चयनित अभ्यर्थियों में लड़कियों का प्रतिशत ज्यादा है, बल्कि टॉप 10 में भी लड़कियों की संख्या ज्यादा रही है। लंबे समय से छात्रों को सिविल जज की तैयारी करा रहे भूषण आहूजा ने बताया, महिला अभ्यर्थी पढ़ाई में ज्यादा गंभीर होती हैं, एकाग्रचित होकर तैयारी करती हैं, साथ ही लक्ष्य के प्रति समर्पित रहती हैं। वहीं माधव लॉ कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी एडवोकेट राजेंद्र सिंह धाकड़ का मानना है कि पुरुष अभ्यर्थियों पर कानून की पढ़ाई पूरी कानून के साथ ही आजीविका कमाने का दबाव रहता है। ऐसे में वे वकालत के साथ साथ तैयारी करते हैं ताकि घर खर्च में सहयोग कर सकें। यही कारण है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष अभ्यर्थी थोड़ी कम संख्या में सिविल जज परीक्षा में सफल हो पा रहे हैं। किस वर्ष कितनी महिलाएं बनी सिविल जज? परीक्षा 2017, परीक्षा 2018, परीक्षा 2019, परीक्षा 2019, परीक्षा 2021। कुल पद, चयनित अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी, यहां पर आप देख सकते हैं महिला अभ्यर्थी 48, 52, 90, 93, 83 चयनित अभ्यर्थी हैं। परीक्षा 2007 में 92, परीक्षा 2018 में 113, 19 में 157, 19 में 137 और 21 में 147 दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हैं सोनल गुप्ता, पूर्वी तिवारी, जयसेवा शुक्ला, प्रिया राठी, युवराज दीक्षित। और यहां पर 355, 327, 304, 277, 304। और यहाँ पर आंकड़े में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा घोषित किए गए परीक्षा परिणाम के आधार पर ये अपडेट है। बाकी आपको बताना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की कुछ महिलाएं जो अतिथि शिक्षक हैं, वो मध्य प्रदेश के मुखिया जो श्री मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके आगे हाथ फैला रही हैं दोस्तों। और यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सभी महिलाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और होली की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, ये चैनल आपका ही है और इसको जरूर सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री राम।